अगर हर महीने आपको 2.5 करोड़ रुपया दिया जाए एक लाइट हाउस को गार्ड करने का, क्या आप में हिम्मत होगी उस जॉब को करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा, अब जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, बाहर जाओ फिशिंग करो, लेकिन असल जॉब आपकी सिर्फ ये है कि लाइट हाउस के टॉप पर एक लाइट है, उसको आपने बंद नहीं होने देना। और सिर्फ इसी काम के लिए आपको एनुअली 30 करोड़ रुपए यानी $1.2 मिलियन दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी इस जॉब को करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? और आप भी मना ही करेंगे जब आपको असल हकीकत का पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो ये है ज्यूमोन लाइट हाउस, जो समंदर के बीचों बीच है और साहिल से कई किलोमीटर दूर है। मतलब ये ऐसी जगह है जहां आपका बाहर की दुनिया से कोई राबता नहीं होगा। इससे पहले के आप इस जॉब के लिए सीवी भेजो, पहले सारी हकीकत जान लो। अकेलापन तो महसूस होगा ही उधर, लेकिन रात को सोते हुए जब समंदर की लहरें इस लाइट हाउस से टकराती हैं, तो कब्र में सोया हुआ मुर्दा तक डर जाता है। कभी कभी तो ये वेव्स लाइट हाउस से भी ऊंची होती हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं और जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। ये जो पिक्चर ली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो इस कीपर की जान को खतरा भी हो सकता था। ये सब जानने के बाद क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? सोच तो आप रहे होंगे, ऐसी क्या जरूरत थी ऐसे लाइट हाउस को बनाने की, और वो भी ऐसी जगह पर, और ऐसा क्यों है कि ये लाइट कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए? तो चलिए आपको इस लाइट हाउस की शुरुआत के बारे में बताता हूँ। पुराने जमाने में जब लंबे सफर के लिए ना रोड्स होते थे ना ही गाड़ियाँ, तो पानी के रास्ते सफर किया जाता था। तो एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। ये बड़ा ही जबरदस्त सेलर था। इसे अपने खतरनाक समंदरी सफर के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ियों की ही होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में से बहुत ही अंधेरे वाली जगह में से गुजर रहा था कि पानी के नीचे बड़े बड़े रॉक्स आ गए, जिसकी वजह से उनकी शिप में सुराख हो गई और वो उलट गई और उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन तो होना चाहिए, ताकि वो इस खतरे को पहले ही देख सकें और इस प्रॉब्लम से बच सकें। दूसरी तरफ अगर ओशन को देखें तो आपको पता है कि ओशन कितना बड़ा है, और सिर्फ पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखें, पूरी दुनिया में 71% पानी है, जो डिवाइडेड है 4 ओशंस में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का खुश्क हिस्सा, जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को ही निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। जब पुराने जमाने में सेलर्स सफर करते थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है, इवन उसका रास्ता किधर है, उसकी नेविगेशन क्या है। नेविगेशन उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ना तो कोई जीपीएस था और ना ही कोई ऐसा सिस्टम था जो सेलर्स को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप्स में भी हम रास्ता देखने के बावजूद अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो जरा सोचें ये लोग क्या करते होंगे। ये सेलर्स सनलाइट और स्टारलाइट यानी सितारों की रोशनी पर डिपेंडेंट थे, और शुरुआत में नेविगेशन टूल्स ना होने की वजह से सेलर्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। जैसे कैप्टन एलिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए जब रात के वक्त अचानक सितारों के सामने बादल आ गए, तो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। उन बादलों के साथ ही तूफान भी आ गया समंदर में, जिससे ये लोग रास्ता भूल गए। और जब सुबह हुई और इनको पता नहीं लग रहा था कि जाना किधर है, अब खाना पीना खत्म हो गया, क्रू मेंबर्स भूख प्यास की वजह से मरने लगे, समंदर का पानी वो पी नहीं सकते थे क्योंकि ये पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो काफी लंबे अरसे के बाद उनको लैंड मिली और उनकी जान बच जाती है। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी इजिप्ट में, मेडिटेरेनियन सी के साथ था, एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ के रूलर थे पिटॉलमी टू ऑफ द फिलाडेल्फियस। इसका किंगडम उस टाइम प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए, लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इसकी लोकेशन, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखो तो शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था। और इसके साथ में देखें कि कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाली शिप्स रात के वक्त यहाँ से तेजी से गुजरते तो ये पानी के नीचे मौजूद नोकदार पत्थरों से टकराती थी और डूब जाती थी, और इनके कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग पटोलवी ने अपने किंगडम की मेरीन रोड की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट्स सोस्ट्रेटस और सिनेटस, इन दोनों को बुलाया और उनसे इसके सोल्यूशन के लिए मदद मांगी, और दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया, और यूं दुनिया का पहला लाइट हाउस बना, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
इंजीनियरिंग मार्वल बना एंशिएंट वर्ल्ड का, जिसका नाम था द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लाइट हाउस में आग जलती थी जिससे मीलों तक रोशनी जाती थी और हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई दी जाती थी इसको। इस वजह से इस लाइट हाउस को दुनिया के 7वें एंशिएंट अजूबों में से एक माना गया था। लेकिन सिर्फ इसका साइज ही बड़ा नहीं था, इसका डिजाइन भी जीनियस था और सोक्रेटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर्स और लेंसेज का इस्तेमाल किया जिससे दूर दूर तक शिप्स आसानी से सेफली ट्रेड कर सकती थी। इस लाइट हाउस के बन जाने के बाद सेलर्स बहुत खुश होते हैं और वो सब आसानी से इस पथरीले पानी को क्रॉस कर सकते थे। इस तरह दुनिया का ये पहला लाइट हाउस सेफ्टी सिंबल बन गया सेलर्स के लिए और इसी तरह पूरी दुनिया में लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट फैल गया। इस तरह का लाइट हाउस सिर्फ समंदर के किनारों पर बनता था, लेकिन दुनिया की ट्रेड में इजाफा हुआ। समंदर के बीचों बीच रोशनी की जरूरत के लिए भी लाइट हाउस बनाए गए जहाँ से ट्रेड रूट गुजरते थे ताकि उनको सेफ रखा जा सके चट्टानों से। इसी वजह से समंदर के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशंस पर लाइट हाउस देखने को मिलते थे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि रोज लकड़ियां, ऑयल या कोयले का इस्तेमाल करके आग को जलाया जाए। हत्ता के कैंडल्स, गैस लैंप और ऑयल लैंप भी आ गए थे, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी और लाइट की इनोवेशन हुई तो ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी लाइट हाउसेस लाइट को मीलों दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते थे, इसका जवाब है ये लेंसेज। 1800 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है कि लेंसेज को अगर हम लाइट के सामने रख दें। इसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा उतना ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाता है फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर फ्रेसलर, जिनके पास बहुत जबरदस्त सोल्यूशन था। इन्होंने लेंस को और बारीक कर दिया और उसके डिजाइन को इस तरह बनाया कि सारी की सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरह से फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउसेस में फ्रेंजर लेंसेज ही इस्तेमाल होते हैं। इस इनोवेशन ने लाइट हाउस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और लाइट को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता था। तो इस तरह इन लाइट हाउसेस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। वो जो शुरू में मैंने आपको जॉब बताई थी कि जुमैन लाइट हाउस में रहने के 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिर्फ आपने ये देखना है कि इस लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। अब क्या आप लोग इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? ये लाइट हाउस तो एंशिएंट जमाने में बना था और इसने पूरी दुनिया की मरीन ट्रेड की सेफ्टी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और ये एंशिएंट राजा की तरफ से बहुत अच्छा काम था।